गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमें गार्डनिंग में हमेशा पड़ती ही रहती है, वो होते हैं पॉट या फिर ग्रो बैग। अगर आप पॉट नहीं रखना चाहते तो आप ग्रो बैग खरीदते हैं, लेकिन आज हम खरीदेंगे नहीं, आज हम बनाएंगे बिल्कुल आसानी से फ्री में ग्रो बैग। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला ग्रो बैग हम बनाने जा रहे हैं, मैंने ली है एक मजबूत सी बोरी, काफ़ी अच्छी सी मजबूत है, प्लास्टिक की बोरी है, और इसी से बनाएंगे आज हम ग्रो बैग। जितनी बड़ी आप बोरी लेंगे उतना ही बड़ा आपका ग्रो बैग बनेगा। तो सबसे पहले नीचे से हम इसको खोल लेते हैं। पहले मैं इसे चाकू से खोलूंगी थोड़ा सा, और फिर एकदम से धागा पकड़ के हम खींचते हैं तो ये पूरा ही बोरी जो है खुल जाती है। ये लीजिए, हमारी बोरी नीचे से खुल गई है, इस तरीके से ये हो गई है। अब तो जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे ताकि अच्छा लगे। अब मैंने ली है यहाँ पर जिप टाई, आप जिप टाई की जगह कोई भी मजबूत रस्सी ले सकते हैं। बोरी को नीचे से इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से, और फिर हम इसमें लगाएंगे अपनी जिप टाई। ये देखिए, मैंने इकट्ठा कर लिया है इसको, थोड़ी सी जगह छोड़कर हम इस तरीके से जिप टाई को बांध देंगे। रस्सी से भी बांध सकते हैं, कोई भी मजबूत रस्सी लें और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको जिप टाई ही लेनी है। तो ये टूट गई है, तो चलिए मैं दो लगा देती हूँ, थोड़ी पतली थी और मैंने ज़्यादा ही ज़ोर से इसको खींच दिया था, दो लगा दूंगी ताकि थोड़ा सा मजबूत हो जाए। बस इतना ही काम है, और बहुत ही इजी सा ग्रो बैग है। हमें इसका येलो वाला पोर्शन अंदर करना है, वाइट वाला करना है बाहर। तो इसको मैं पलट ले रही हूँ इस तरीके से। अगर आपके पास प्लेन बोरी है एक ही कलर की तो बहुत ही सुंदर लगेगा वो भी। तो इसका जो बेस है मैं इसको थोड़ा सा खोल ले रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए, आप छोटे या बड़े ग्रो बैग अपने ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। और ये जो ग्रो बैग होते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, 6 महीने साल भर से पहले ये कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। और वैसे भी तो हम इन्हें कूड़े में ही फेंक देते हैं, तो जितनी लंबाई लेनी है उतनी मैं ले रही हूँ, बाकी को कर रही हूँ मैं इसमें फोल्ड इस तरीके से। और वाइट के साथ येलो भी सुंदर भी लग रहा है, और हमारे जो ग्रो बैग का साइज़ है वो भी हमारे अकॉर्डिंग ही हो गया है। अब मैं इसे अंदर से हाथ डाल के थोड़ा सा कर लूँगी सेट इस तरीके से। बस ग्रो बैग हो गया है रेडी। बनाने हैं इसमें ड्रेनेज होल, क्योंकि ड्रेनेज होल के बिना तो कोई प्लांटर होता ही नहीं है। तो इसको मैं सोल्डरिंग आयरन से कर रही हूँ, उसमें बहुत सारे होल। आप चाहे तो चाकू गर्म करके कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रू ड्राइवर गर्म करके भी कर सकते हैं। ये लीजिए, बिल्कुल रेडी हो गया है। चलिए इसमें हम मिट्टी भी डाल लेते हैं। अब मिट्टी, इतने सारे बड़े ग्रो बैग को भरने के लिए मिट्टी काफ़ी सारी चाहिए, तो मैं तो गार्डन का जो वेस्ट होती हूँ उसे इकट्ठा करती रहती हूँ। तो पहले डालूंगी मैं यहाँ पे गार्डन का वेस्ट, थोड़ा सा दबा लूंगी उसको, फिर डालूंगी मैं इसमें किचन वेस्ट, ये भी मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है। जो भी मेरे पास जो ऑर्गेनिक मैटर निकलता है फ्रेंड्स, मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, चाहे वो सब्जी के फलों के छिलके हों, चाहे बच्चे कागज़ वगैरह फाड़ देते हैं, गत्ते होते हैं छोटे छोटे कार्डबोर्ड, उनको भी मैं डाल देती हूँ इसी में। सिर्फ पका हुआ खाना नहीं डालना है, और ऊपर से डाल देनी है इसमें मिट्टी, थोड़ी सी ही मिट्टी हमारी लगेगी इसमें। ये लीजिए, भर गया है ग्रो बैग। अब आप इसके ऊपर कोई भी प्लांट लगा दें, चाहे तो आप इसे ऐसे ही रख दें, और इसमें आपका कंपोस्ट रेडी होता रहेगा। तो बहुत ही अच्छा और मजबूत ग्रो बैग है। देखिए, पहले से मैंने बना के रखा है एक छोटी सी चावल की बोरी से। कौन सा वाला अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास वेस्ट प्लास्टिक की बोरियां पड़ी हैं तो उन्हें फेंके नहीं, उनसे बना लें अपने लिए ग्रो बैग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये हैं चावल की बोरियां, छोटी छोटी हैं, एक 10 किलो की है, एक है 5 किलो की। और इनको भी हम बिना स्टिचिंग के बनाएंगे, ना सीजर यूज़ करेंगे और ना ही यूज़ करेंगे हम कोई सुई धागा। तो पहले मैं निशान लगा लूँगी जितना मुझे चाहिए, जो निशान लगा रहे हैं हम नीचे उनसे हम इसका बेस बनाएंगे। बिना निशान के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर निशान लगा लेंगे तो इक्वल बनेगा ग्रो बैग, ऊंचा नीचा नहीं होगा। तो पहले मैंने बड़े ग्रो बैग पे निशान लगाया है, और फिर लगा लिया है छोटे पे, आगे पीछे दोनों तरफ हमें निशान लगा लेने हैं। अब जहां से हमने निशान लगाया है वहीं से पकड़ के हमें इस ग्रो बैग के नीचे वाले पोर्शन को कर देना है अंदर की तरफ इस तरीके से।
ये तो फ्रेंड्स उससे भी ज़्यादा इजी है, मिनटों में बनने वाला ग्रो बैग है। और क्या, कितने ही आप बना के ऐसे रख लें गार्डन में, फ्री में प्लांटर बनाएं और बहुत सारे प्लांट्स आप इसमें लगा लें। चाहे तो आप टमाटर के बीज जो घर में होते हैं, मिर्ची के बीज, उनको लगा के आप सब्जियां भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसको नीचे से कर लेते हैं जल्दी से फोल्ड। दोनों ही रेडी हो गए हैं ग्रो बैग। अब बारी आती है इसे नीचे से बंद करने की। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है स्टेपलर। थोड़ी पास पास हमें सारे में पिन इसके लगा देनी है इस तरीके से। मिनटों में ग्रो बैग रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो इसके हैंडल ऐसे ही रहने दें ताकि आप इसके हैंडल पकड़ के उठा सकें, आप चाहे तो इसके हैंडल रिमूव भी कर सकते हैं। दो ग्रो बैग हो गए हैं रेडी। मिनटों में ड्रेनेज होल बना लेना है और फिर लगा देना है इसमें प्लांट। ऐसे ग्रो बैग तो हमारे घर में फ्रेंड्स आते ही रहते हैं हर महीने, जब भी हम सामान लाते हैं तो फेंकना नहीं, बिल्कुल ऐसे ही यूज़ कर लेना अपने गार्डन में। तो एक और है जो हमारा डिटर्जेंट के जो पाउच आते हैं फ्रेंड्स, वो भी काफ़ी मजबूत होते हैं और हर महीने वो भी आते ही रहते हैं। तो ये था मेरे पास 10 kg वाला टाइड का पैकेट। तो मैं इसे फेंकने वाली नहीं हूँ, सेम उसी तरीके से मैं इसको बनाने वाली हूँ। जो अंदर का सिल्वर वाला कलर है वो मैंने बाहर कर दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि आपने वेस्ट मटेरियल को इसमें यूज़ किया है। ड्रेनेज होल बना लेते हैं, मिट्टी डाल ली है, लगा दिया है प्लांट। कैसा लगा आपको ये वाला आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये है अगला वाला, ये है रेक्टेंगुलर शेप का बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रो बैग। और ये तो देखने में फ्रेंड्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरा फेवरेट है इसमें। हाँ, हमें थोड़ी सी सिलाई कटाई करनी होगी, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो इस तरीके का वाला ग्रो बैग भी आप बिल्कुल बनाएं। बस बोरी थोड़ी सी मजबूत ले लें, जितनी मजबूत बोरी होगी उतना ही लॉन्ग टाइम तक आपका ये ग्रो बैग चलने वाला है। नीचे से खोल लेना है हमें इस तरीके से और एक साइड से कर लेना है कट। चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको कट। मार्केट से ये ग्रो बैग फ्रेंड्स काफ़ी महंगे मिलते हैं और प्लास्टिक के होते हैं, तो लाइफ इनकी उनकी भी कुछ ज़्यादा नहीं होती है, वो भी इतना ही चलते हैं जितना आपका ये वाला ग्रो बैग चलने वाला है। तो जितनी हमें इसकी ऊंचाई चाहिए उतना हम यहाँ पे लेकर उससे 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, 1 इंच हम मोड़ेंगे ऊपर से, जैसे कि हम पैजामे का नाड़े के लिए मोड़ते हैं उस तरीके से। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 12-12 इंच दोनों तरफ से इस तरीके से, और निशान लगा लूँगी मैंने चारों तरफ। यहाँ पे चारों तरफ मुझे निशान लगाने हैं। अगर आप छोटी ऊंचाई का बनाना चाहते हैं तो आप कम लें, इससे ज़्यादा ऊंचाई का लेना चाहते हैं तो ज़्यादा निशान लगाएं। अब बोरी बड़ी होगी तभी आपको ज़्यादा हाइट वाला मिलेगा। तो चारों तरफ निशान लग चुके हैं, बारी आती है कट करने की। ये लीजिए मैंने कट कर लिया है और हमारी बोरी नज़र आएगी इसके बाद कुछ इस तरह की। अब सबसे पहले हमें इसको देखिए, हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है, लेकिन पहले हमें यहाँ पे इसको निशान जितना हमने मोड़ने के लिए रखा था 1 इंच, वो हम यहाँ पे मोड़ लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे लकड़ी, ये जो प्रिंटेड वाला पोर्शन है उसे हम अंदर की तरफ करेंगे फ्रेंड्स, वाइट वाला बाहर करेंगे। तो मैंने ऊपर से मोड़ लिए हैं, अब बारी आती है सिलने की। तो इसको हम सिल लेंगे जहाँ से प्रिंट है उस तरफ से, क्योंकि हम इसे पलटेंगे तो यहाँ से ये अंदर की तरफ चला जाएगा। जल्दी से सिलाई लगाती हूँ। ये देखिए लग गई है सिलाई, बारी आती है इसे पलटने की। वाइट वाला पोर्शन हमें निकालना है बाहर की तरफ इस तरीके से। ये वाली मेरी बोरी कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं है, आप थोड़ी अच्छी बोरी लें तो बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग ग्रो बैग बनेगा। पलट लिया है मैंने इसे इस तरीके से, सिलाइयाँ जो है मैंने करी उसने बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हाथ से मैं इसको कर रही हूँ ताकि इसकी शेप अच्छी आ जाए। अब जहाँ पर भी आपने जो मैंने जो है सिलाई लगाई है उनके ऊपर मुझे बाहर की तरफ से एक एक और सिलाई लगानी है, तो मैंने हाथ से उनको थोड़ा सा सीधा कर लिया है। तो जहाँ पर भी आपको ये ऐसे मैंने करे हैं, ये देखिए किनारे, इन पे मुझे लगा लेनी है बाहर की तरफ से सिलाई, और उसके बाद इसकी शेप बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं सारे में ही लगा लेती हूँ सिलाइयाँ, नीचे की तरफ तो मैंने लगा ली हैं और जो खड़े वाले किनारे हैं इन पे भी मैं लगा लेती हूँ सिलाई। ये देखिए ग्रो बैग बन के तैयार हो गया है। अब जो हमने ऊपर
जगह बनाई है जहाँ पे हमें डंडियाँ डालनी है, वहाँ पे हमें ये डंडियाँ डाल देनी है। ये जो मूडी होती है बैठने की, उस पर वो मेरी टूट गई थी तो मैंने उसकी लकड़ियाँ संभाल के रख ली थी। अब ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और फिर देखिए आप कितना गजब का ग्रो बैग बनेगा। ये लीजिए, ग्रो बैग हो गया है रेडी। इसमें डालते हैं मिट्टी और फिर उसके बाद हम इसे देखते हैं कि हमारा ग्रो बैग कैसा रेडी हुआ है। आप इसमें वेजिटेबल के जो प्लांट्स होते हैं वो लगा सकते हैं। मिट्टी मैंने डाल ली है, देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल ये लग रहा है और फ्री का है तो हमें एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, तो हम ऐसे कई सारे बना के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाए हैं बहुत ही ईजी से ग्रो बैग। आप इन्हें अपने गार्डन के लिए ज़रूर से बनाएं, क्यों ही खर्च करने ज़्यादा पैसे जब हम फ्री में गार्डनिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।